न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। आज जो मैं आपके सामने खबर लेके आया हूँ वो काफी चौंकाने वाली खबर है। आज की जो खबर है वो हमारी नागपुर से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित खबर है। आज हमने जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं है, जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा था कि सरकारी यंत्रणा की जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते नज़र आ रही थी, लेकिन वो काम किसके भरोसे कर रही थी वो मैं आपको बता दूं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कर्मचारी होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं उनके बदौलत हमारा जो दो कोरोना की तीन लहरें जो गई है वो लहरों के तरने का जो काम किया है वह इन वॉरियर्स ने किया था, और ये जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्हें बहुत सम्मान दिया गया, बहुत कुछ उन्हें सरकार ने लुभावने वादे दिए। लेकिन आज की जो स्थिति है वह मैं बता दूं, नागपुर मेडिकल कॉलेज के में लगभग आज 110 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं जिन्होंने अनशन शुरू किया हुआ है। अनशन भी क्यों शुरू किया है, तो उन्हें लगभग 12 से 13 साल की सेवा देने के बाद, कोरोना में उतना उनका योगदान रहने के बाद आज उन्हें उसके पदों से हटा दिया गया है। दर्शकों आपको बता दूं कि अभिजीत इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ये एक संस्था है, ये संस्था में लगभग कई कर्मचारी मेडिकल में काम कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे, अस्पताल में काम करते थे, मरीजों की सेवा करते थे, लेकिन उन्हें अचानक तौर पर 1 मई को बर्खास्त कर दिया गया। जबकि मेसर्स अभिजीत इंटेलिजेंट सिक्योरिटी जो सर्विस है वो उन्होंने उन्हें 10,000 के हिसाब से उन्हें वेतन देना था, लेकिन वो वेतन उन्हें न देते हुए वो अपने मन मारनी ढंग से उन्हें वेतन देते थे। और कई जो कर्मचारी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कर्मचारी है उन लोगों को उन्होंने उनके खातों की पासबुक, ATMs और बाकी चीज़ें उन्हें ज़रूरी समझकर उन्हें अपने पास रख लिया था, जिसके चलते आज उनके खातों से पैसे नदारद है। यही मामले को जानते हैं क्या है पूरा मामला। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कंत्राटी कर्मचारी संघ के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में दिनांक 15 मई से मेडिकल के प्रशासन ने 108 कर्मचारियों को 1 मई कामगार दिवस के दिन काम पर से बेदखल कर दिया। ये सारे कर्मचारी लगभग 10 से 15 साल से कार्यरत थे, और इसके बावजूद भी इसकी कुछ भी तसल्ली न लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय नागपुर ने सुरक्षा, मेडिकल सुरक्षा का एक मेडिकल परिसर का ऑडिट किया, और उस ऑडिट में यह जो सुरक्षा रक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी ऑडिटेड पॉइंट निकले, उसके कारण इन यूनिटी सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से ये जो सुरक्षा रक्षक काम कर रहे थे इन लोगों को 1 मई से काम पर से निकाल दिया गया। अब मामला यह है कि इनके जगहों पे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र सुरक्षा फोर्स के कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। 28,000 रुपये तनख्वाह उनको मिलने वाली है, और ये जो सुरक्षा रक्षक कर्मचारी काम कर रहे थे इनको केवल 6,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, किमान वेतन भी नहीं मिलता था, और उसके बावजूद भी ये लोग प्रामाणिकता से काम कर रहे थे। कोरोना महामारी में इन लोगों में अपने घरदार की, अपने कुटुंब की, परिवार की परवाह न करते हुए मेडिकल को सेवा दिया, राष्ट्र पर जो आपत्ति आई उस आपत्ति में राष्ट्र को भी मदद की, और इतना प्रामाणिक ढंग से काम करने के बाद में कोई भी पूर्व सूचना न देते हुए 30 अप्रैल को यूनिटी सिक्योरिटी कंपनी का ठेका खलास हो गया, और 1 तारीख से 1 मई से इन लोगों को काम पर से निकाल दिया गया। इसके खिलाफ में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में माननीय जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को निवेदन दिया गया, और उसके बावजूद 15 तारीख से इन लोगों को काम पर वापस लेना चाहिए, किमान वेतन मिलना चाहिए, यह सारे प्रमुख बिंदुओं को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया है। और इस आंदोलन को जब तक कि इन कर्मचारियों के नौकरी में वापस लेने के बारे में सकारात्मकता नहीं मिलती, प्रशासन की तरफ से सकारात्मक कुछ संकेत प्राप्त नहीं होते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने मेडिकल चौकामध्ये हे जे वैद्यकीय महाविद्यालयातील या महिलांचं सुरक्षाकर्मींचं जे आंदोलन सुरू आहे,
मागील 3 दिवसापासून हे आंदोलन सुरू आहे आणि माझा नागपुरात निवास असल्यामुळे मी 3 दिवस झाले आमचे माननीय गटलेवार जे महामंत्री विदर्भ प्रदेश यांच्याशी संपर्कात आहे। पहिल्या दिवशी पण ते जयश्रीताई तिवाडी आमच्या येऊन गेले सुहासताई तिवाडी आणि त्यांच्याशी पण म्हणजे मला माहिती आहे की त्या इथे आल्या होत्या। तुमचे मी सगळे फोटोज बघितलेले आहे। काल पण माझं बोलणं झालं, काल जरा मी एका डॉक्टरकडे गेली होती थोडी बिझी असल्यामुळे इथे काल येऊ नाही शकली, पण माझी तीव्र इच्छा होती की इथे ताबडतोब पोचून या सगळ्यांशी संपर्क करायचा। तुम्ही सगळ्याजणी ज्या पद्धतीने आज एकत्र आला आहात, मला वाटतं आपण महिला दिवस 8 मार्चला देखील आपण सगळ्याजणी एकत्र होतो आणि आंदोलन केलं होतं। शक्ती जी संघटनेमध्ये जी शक्ती असते ती कशातच नसते। सरकार कोणाचंही असो, प्रशासन कोणाचंही असो, आपल्याला आपली शक्ती दाखवून आपल्या मागण्या पूर्ण करून घ्यावेला घेणं आवश्यक असतं। आणि भारतीय मजदूर संघ ज्या संघटनेशी तुम्ही जुळलेले आहे ती अतिशय माहिती आहे तुम्हाला, प्रखर राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रत अशी असं हे संघटन आहे। आणि इथे कोणत्याही आम्ही कधीही कोणत्याही संघटनेचं नुकसान होईल किंवा कोणत्या उद्योगाचं नुकसान होईल किंवा कर्मचाऱ्यांचं नुकसान होईल अशी कधीही भूमिका भारतीय मजदूर संघ घेत नसतो। जे काही आज आम्ही काम करतो आहे, इतके तास काम करतो आहे, त्या बदल्यात आम्हाला काय मिळतं आहे? इतके वर्ष झालं आम्ही अन्याय सहन केला। खरं म्हणजे ही महिलांची प्रवृत्ती असते, इथे जास्त संख्येने महिला आहे म्हणून मी महिलांबद्दल बोलते आहे, प्रवृत्ती असते की काम केलं ठीक आहे ना, कमी मिळालं हरकत नाही। आपण अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी फार उशिरा एकत्र येत असतो, ते तुम्ही केलेलं आहे आणि मला नक्की खात्री आहे की आज ज्या पद्धतीने आपल्या मागण्यांवर विचार सुरू आहे आपली एकूण एक मागणी पूर्ण होणार आहे। प्रशासनाला आपली दखल घ्यावी लागलेली आहे आणि प्रशासनाने ती घेणं आवश्यक आहे, कारण आज तुमच्या भरोशावरच आज हे सगळं काम सुरू आहे। आज आपण बघितलं कोरोना पिरियडमध्ये पण बघितलं, नेहमी मेडिकल एक नागपुरातलं एक प्रसिद्ध जागा आहे वैद्यकीय सेवेसाठी, तत्काळ सेवा असते तिथे। आणि आज सगळ्या पूर्ण देशभरातून इकडचे सगळे गरीब वस्तीतले लोक सगळ्या सगळीकडचे लोक येतात इथे, तातडीने उपचार आणि चांगले होतात। आणि हे सगळे इथली सुव्यवस्था बघणं, सुरक्षा बघणं, स्वच्छता बघणं हे सगळं आमच्या महिला काम करत असतात आणि त्यामुळेच ती एक वैद्यकीय महाविद्यालयाची कॉलेजची आणि या हॉस्पिटलची इमेज आज सगळीकडे आहे। तर ती इमेज कायम ठेवण्यासाठी इथे काम करणारा प्रत्येकाचं स्वास्थ्य, त्याची आर्थिक स्थिती हा देखील विचार झाला पाहिजे। तर तुमच्या या पगार आपण जी मागणी केलेली आहे, मानधन तुमचं वाढवणं आणि तुम्हाला इथे नोकरीत संधी देणं हे सगळे आपले विषय आहे। आणि आत्ता ज्यांना आपण 1 मेपासून निलंबित केलेलं आहे, 1 मेपासून 108 लोकांना आपण बाहेर केलेलं आहे आणि आंदोलन सुरू झालं म्हणून धाकधपटशा करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला काही 4 जणींना बाहेर काढलेलं आहे। तर या सगळ्याच्या तुम्ही तुटायचं नाही, सगळ्यांनी एकजूट राहायचं, आपलं संपूर्ण आंदोलन यशस्वी होणार आहे। महत्त्वाचं आहे सगळीकडनं प्रयत्न होतील की तुमची संख्या कमी करायचं, पण तसं होऊ द्यायचं नाही। आपण एकसंध राहू, आपण मिळून लढा देऊ, आमच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण होतील। आणि आवश्यक नाही आहे की एका आजच्या या पहिल्या आंदोलनाचंच आपल्याला संपूर्ण यश मिळणार आहे, आपल्याला पण देखील शांततेने सगळे आंदोलनं घेत असतो, आपण कुठेही ॲग्रेसिव्ह नसतो, आपण टप्प्याटप्प्याने आपली कारवाई पूर्ण करू। जसं आता गटलेवारजींनी सांगितलेलं आहे की सकारात्मक चर्चा सुरू आहे, मला नक्की खात्री आहे की जे काही होणार आहे ते आपल्या फायद्याचं होणार आहे। आणि या पद्धतीने आपण जे 3-4 दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे आणि पुढे देखील पुन्हा वेळ येणार आहे, एकदा आंदोलन करून हा विषय संपत नसतो, तर या पद्धतीने आपण आपलं आंदोलनही चालू ठेवणार आहे, संघटन पण मजबूत करणार आहे। ज्या आज काही महिला नसतील आल्या, कदाचित धाक दाखवल्यामुळे नसतील आल्या, आपल्या संघटनेशी जोडल्या गेल्या नसतील, त्यांना आतून वाटत असेल मी बाहेर जायला पाहिजे पण त्या येऊ शकल्या नाही, वेगवेगळी कारणं असतील, तर अशांनासुद्धा आपण जोडायचं आहे, त्यांनाही माहिती द्यायची आहे की इथे कोणत्या पद्धतीने चालतं। शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा भारतीय मजदूर संघाचा स्वभाव आहे, आम्ही नेहमी चर्चात्मक पद्धतीने प्रश्न सोडवत असतो, शेवटचा उपाय संप आंदोलन हे आम्ही करत नसतो। तुमच्यासाठी पण आपण बरेच प्रयत्न केले, हा फार उशिरा घेतलेला निर्णय आहे की इथे एक आंदोलन करायचं आहे आपण, कारण अव्यवस्था कधीच विचार करत नाही की अव्यवस्था बघायला हवी, या कुठल्याही प्रशासनाची व्हायला हवी असा आपला विचार नसतो, पण आता आपल्याला मजबूर करण्यात आलं हे काम करण्या आंदोलन करण्यासाठी। तर या ह्याच्यातून मला वाटतं की लवकरच आपल्याला एक सुखावह थोडी आनंददायक अशी बातमी गटलेवारजी देतील आणि त्यानंतर आपण आंदोलन कसं सुरू ठेवायचं काय ठेवायचं महामंत्रीजी त्याबद्दलचा निर्णय घेतील। मला वाटतं एवढं पुरेसं आहे, ज्या पद्धतीने एवढ्या उन्हामध्ये नागपूरचं ऊन प्रसिद्ध आहे आपण सगळे, आणि आता तर लाईटही गेलेले आहेत, याच्यामध्ये आपण सगळे मिळून आहात,
असेच मिळून राहा आणि संघटन मजबूत करा अशी मी अपना सगळ्यांकडून अपेक्षा करते। 13 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। गार्ड की ड्यूटी में इतनी तकलीफ थी कि जिसको पता नहीं चलेगा। जब यहाँ पे चाय बेचने लोग आते थे, जब वो जेब कट का काम करते थे, बाहर से लोग आए हुए लोग थे, उनसे जेब का काट के वो अपना गुजारा करते थे और हम इतने परेशानी में थे, उनको किसको पकड़े। जब हम देखे तो वहाँ पे पूरे जेब कट ऐसे भरे थे, आजू बाजू में लोगों के बाजू में इर्द गिर्द में सब लोग जेब कट थे। फिर बाद में हमने उन पर ये किए तो उस वक्त हम सब मिल के उनको पकड़ाए और तब से वो जेब कटरे कम हो गए। यहाँ पे एक्सरे के डिपार्टमेंट में, सोनोग्राफी में, वार्ड 21-22, वार्ड 7 ऐसे लोग आते थे जहाँ पे 300-200 का मजमा आता था और उस मजमे में तलवार वगैरह लेके आते थे। उस वक्त हम खुद अकेले, एक गार्ड रहता था, बाकी कोई नहीं रहते थे हमारे साथ में। जब गवर्नमेंट के लोग हमको बोलते थे अरे भाई इनको निकालो, हम कैसे निकालेंगे, फिर भी हम सुपरवाइजर को फ़ोन करके, सुपरवाइजर हमारे साथ आके वो हमने हैंडल किए और आज हमको एक मई के दिन ऐसा मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दिए है। हम आप ये बताइए, अब यहाँ पे लोगों को दिखता नहीं क्या, इतनी बड़ी लोग हम वहाँ से हटाने के बाद हमको निकाल के फेंक दिया है। तो आज वहाँ पे क्या हो रहा है ये सब देख रहे लोग, और इस कारण हम आज बाहर हो गए हैं और हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमको 4,400 पगार मिलता था, फिर बढ़ के 6,000 हो गया है, उसमें भी 4 छुट्टी थी और 4 छुट्टी में से हमारा पैसा कितना खाते थे वो उनको मालूम है। बाकी सब लोग हम ये आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन से हमारी जो मांगे है वो पूरी करना चाहिए, प्रशासन ने सब ये करना चाहिए। और ये सब बातें होने के बाद भी ये प्रशासन उनको जाग आ नहीं रहा, अब हमको यहाँ से हिलाने के लिए यही हमने यहाँ पे मुंडा भाव को साथ में लेके हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि सारे लोगों ने अब अपनी बाजू मंडाई हुई है, अपना पक्ष मंडाया हुआ है और इस पर यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है वहाँ तक के जो मौजूदा स्थिति में यहाँ जो डीन है वह भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, स्वास्थ्य विभाग के बड़े आला अफसर भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए MNS न्यूज़ TV। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।